आज के दौर में चिकित्सा विभाग आधुनिक होने के साथ ही साथ उनके इलाज महंगे भी होते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी नहीं कि उपचार के आधुनिकीकरण उपकरण या फिर तकनीक शासकीय अस्पताल में उपलब्ध हो, शायद इसलिए लोग गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल का ही सहारा लेते हैं। ऐसे में यह संभव नहीं होता कि हर कोई निजी अस्पताल जाकर लाखों खर्च करके अपना उपचार करा सके। शायद यह भी एक वजह है कि महंगे उपचार से लोग भागने लगे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें किसी भी समय देखने को मिल सकता है। इसकी बहुत ज्यादा कमी बिलासपुर शहर को भी होने लगी थी, जिसे दूर करते हुए श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दयालबंद बिलासपुर द्वारा सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें पावन प्रकाश पर्व की खुशी में निःशुल्क 5 दिवसीय आयुर्वेद न्यूरोथेरेपी चिकित्सा शिविर का आयोजन बुधवार से प्रारंभ हुआ। बताया जा रहा है कि इस 5 दिवसीय शिविर में 3000 से अधिक केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश सहित पूरे छत्तीसगढ़ से रजिस्ट्रेशन कराया गया है। शिविर के शुरुआत में लगभग 800 महिला, पुरुष तथा बच्चों ने न्यूरोथेरेपी का लाभ लिया। शिविर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलता है। शिविर में पूरे देश में प्रसिद्ध डॉक्टर मनोज शर्मा कोटा राजस्थान वाले तथा 60 विशेषज्ञों की टीम की ओर से कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कंधों में जकड़न, सर्वाइकल स्पोंडोलाइटिस, न्यूरोलॉजिकल समस्या, कोहनी की समस्या, टखने का दर्द, मस्तिष्क पक्षाघात इत्यादि बीमारियों का उपचार न्यूरोथेरेपी द्वारा किया जा रहा है। शिविर को सफल बनाने के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अलावा पंजाबी युवा समिति, स्त्री सत्संग, सुखमनी सर्कल, आदर्श पंजाबी महिला संस्था, पंजाबी सेवा समिति, खालसा सेवा समिति, गुरमत ज्ञान सोसायटी, पंथ प्रचार कमेटी, बिलासपुर लेडीज सर्कल 144, बिलासपुर राउंड टेबल 283, ऑल इंडिया सिख यूथ फेडरेशन के सदस्य सक्रिय रहे। मेडिसिन से इसलिए अलग है कि एक तो एनाटोमिकल चेंज अपन इसमें लेके आते हैं, ये फिजिकली पूरी नर्वस सिस्टम पे डिपेंडेंट टेक्निक है, जिसको तैयार करने में काफी समय लगा है। पूरा इसके पीछे साइंस काम करता है, यानी कोई भी आपको डिसऑर्डर है तो उसको अपन एनाटोमिकल चेंज करके ही ठीक कर सकते हैं। बिना एनाटोमिकल चेंज हुए आपकी कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती। नी रिप्लेसमेंट है, हिप का है, बैक का है, तो ये चीजें क्यों मेडिसिन से क्योरेबल नहीं है। आपको डिस्क बल्ज हो गया तो मेडिसिन आपको डिस्क बल्ज को अंदर नहीं करेगी जब तक उसको अपन कोई टेक्निक के माध्यम से वापस अंदर नहीं करें। तो अपन जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके द्वारा MRI वगैरह सब नॉर्मल आ जाती है पेशेंट की, दोबारा जब MRI कराते हैं। और जैसे ही अपन हीरिंग लॉस वगैरह का करते हैं तो बेरा टेस्ट से नॉर्मल आ जाता है, जबकि जो जन्मजात गूंगे भरे बच्चे हैं वो ठीक हो रहे हैं। मनोज शर्मा जी, पूर्व में भी बिलासपुर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, मैंने उस शिविर को अटेंड किया था और उसके पश्चात मुझे भी कुछ ऐसा तकलीफ हुई थी स्लिप डिस्क की, तो मुझे लोगों ने सलाह दिया कि कोटा जाकर के आप अपना उपचार कराइए। तो मैं बिल्कुल ही चल नहीं पाता था और कोटा जाने के बाद में मेरे को जो परिवर्तन आया, दौड़ने भागने लगा, तो मुझे लगा करके नहीं, इस शिविर को लोगों को जो सब लोग कोटा नहीं पहुँच सकते उनको शिविर का लाभ मिलना चाहिए। अभी हमारे जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज का पावन पवित्र 550वें प्रकाश पर्व की 1 वर्ष से हम लोग कुछ ना कुछ सेवा कार्य कर रहे हैं, उसी कड़ी में इस प्रोग्राम का विचार है, जिसे सभी कमेटी मेंबरों ने अपनी सहमति दी और आज ये विशाल आयुर्वेदिक निःशुल्क कैंप यहाँ आपके सामने सम्मुख है।